वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ही आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे, वरना आपको हमारे जो नए अपलोड होते हैं या जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी और जो लेटेस्ट वैकेंसीज होती है जॉब वैकेंसीज उनसे वंचित रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आपके लेकर आए हैं नगर पालिका में निकली हुई भर्ती के बारे में। म्यूनिसिपालिटी में भर्ती निकली है हेल्पर, मजदूर, दारवेन, अटेंडेंट और वर्क सरकार के पोस्ट के लिए। तो इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो ये भर्ती हो रही है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए 8वीं पास है और रिक्वायरमेंट्स क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 साल और अधिकतम 40 साल की उम्र तक उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी आपको यहां पर भरनी है। एप्लीकेशन फी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी है 50 रुपीज। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो इंटरव्यू पैनल के द्वारा होने वाली है और आपके यहाँ पर मेरिट लिस्ट भी लगेगी। पे स्केल आपको प्रतिमा मिल सकती है 5400 से 25200 पर मंथ। ग्रेड पे एज पर रूल्स है यानी ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार आपको यहाँ पर ग्रेड पे मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है हमारे gvtjob.com के। पर उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि जॉब लोकेशन क्या है। जॉब लोकेशन वेस्ट बंगाल है, यानी सिलेक्ट होने पे आपकी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या वेस्ट बंगाल म्यूनसिपालिटी में होगी। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है 10 मई 2018। तो आप देख सकते हो आपके पास बहुत कम टाइम रह गया इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। लगभग 10 से 12 दिन आपके पास पूरे मिल रहे हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तुरंत अप्लाई करेगा, देर ना करे। जितना जल्दी आपसे हो सके इस वीडियो को अप्लाई करें और आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो के बारे में जानकारी बताकर शेयर करिएगा। तो जाते हैं आज की पीडीएफ के और क्या जानकारी हमें पीडीएफ में मिल रही है। तो जैसे आप देख सकते हो ये लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 10/5/2018 तक ही आप अप्लाई कर सकते हो 5 PM तक। असिस्टेंट इंचार्ज की जो वैकेंसी उसके लिए उम्मीदवार को माध्यमिक पास होना जरूरी है यानी 10th पास होना जरूरी है और मिनिमम एज है 21 ईयर्स और अधिकतम 37 ईयर्स की एज तक उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए भी माध्यमिक पास होना जरूरी है, एज लिमिट 18 से 40 है। स्टोर कीपर के पोस्ट के लिए भी माध्यमिक पास यानी 10th पास होना जरूरी है और मिनिमम 18 से 40 ईयर्स के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे विस्तार में यहाँ पर जानकारी बताई गई है और ऑफलाइन तरीके से आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है, ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन स्वीकारा नहीं जाएगा। तो आप पोस्ट से आपका एप्लीकेशन भेज सकते हैं, पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से। इस एप्लीकेशन को आपको भरना है, आप कौन से पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी बतानी है और डॉक्यूमेंट जो पूछे गए हैं वो आपको अटैच करने हैं। और जो एड्रेस हमने आपको पहले बताया, जो एड्रेस है यहाँ पर द ऑफिस हाउस काउंसिलर्स ऑफ बरुईपुर म्यूनसिपालिटी कुलपी रोड बरुईपुरी कोलकाता, इस एड्रेस पे आपको आपका एप्लीकेशन भेजना है और आपका एप्लीकेशन निश्चित करना है। ऑफलाइन तरीके से भर्ती हो रही है वेस्ट बंगाल में, तो जितने जल्दी आपसे हो सके इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आप ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करें और आपका एप्लीकेशन भेजिएगा। और ऐसी जॉब्स की जानकारी यदि आपको और पाते रहना है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी। हम यहाँ पर आपको हर रोज़ जो अपडेट्स होते हैं जॉब्स के तुरंत अपलोड करते हैं जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, जिनके कारण आपको अधिक जानकारी मिल सके और आपको अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो जिससे आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी और उन्हें भी अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जो उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है आप एक साथ मिलकर भी अप्लाई कर सकते हो। और उसकी भी जो अप्लाई करने की लिंक है या फॉर्म की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जिससे आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो देर किस बात की, जरूर लाइक करिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप आसानी से डिसलाइक को भी प्रेस कर सकते हैं, पर हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसी जॉब्स के अपडेट्स यदि आपको पाने हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने से बात नहीं बनेगी, आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ही आपको जॉब्स के अपडेट्स तुरंत आएंगे, तो ज़रूर बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। मिलता है ऐसे किसी और वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।